हां जी बेटा, आपा पढ़िया सी क्रुंबला किताब दा लैसन बोहड़ दा रुख। ठीक है, अज आपा उस पाठ दे नाल संबंधित बुक वर्क करांगे। सब तो पहला है अभ्यास विच दत्ता होया मौखिक। मौखिक मैंने हुंदा बेटा ओरल, जवानी। और जवानी दे आंसर है जेड़े की नेगे, बोहड़ नूं होर किस नाम नाल जानिया जांदा है। किस नाम नाल जानिया जांदा है बेटा, आपा पाठ पढ़े है बोहड़ नूं असी बरोटा भी कह दिंदे आ। बोहड़ दी छां किहो जिही हुंदी है, बोहड़ दी छां संघनी हुंदी है, भाव उत्थे बिलकुल भी धुप है जिहड़ी नहीं लगदी, एनी संघनी छां हुंदी है जिवें छत दी होवे। बोहड़ दे फल नूं की कहा जांदा है, बोहड़ दे फल नूं गोल कहा जांदा है। बाबा बोहड़ किस नूं कहा जांदा है, बाबा बोहड़ बड़ी उम्र दे बजुर्ग लोकां नूं कहा जांदा है। ए तां सी मौखिक काम बेटा। नैक्सट है साडा लिखती काम। लिखती दे विच है सब तो पहला हेठ लिखे प्रश्नां दे उत्तर लिखो। फर्स्ट है बोहड़ नूं केड़े केड़े स्थानां उत्ते वेख्या जा सकदा है। उत्तर, बोहड़ नूं धार्मिक स्थानां, खूहां, टोबियां अते तलाबां दे नेड़े वेख्या जा सकदा है। सेकंड, बोहड़ दे रुख तों पंछियां नूं की लाभ हन। उत्तर, पंछी बोहड़ दे रुख उत्ते अपने आलने बनाउंदे हन अते इस दे फल खांदे हन। ठीक है, भाव उन्हां नूं रहन लई ते खाण दे लाभ नेगे। कुड़ियां मटियारां बोहड़ दे रुख तों की लाभ लैंदियां हन। कुड़ियां मटियारां बोहड़ दे रुख दी छां हेठ तीआं लगाउंदियां अते पिंगा झूटदियां हन। बोहड़ दीआं जड़ां बारे तुसीं की जानदे हो। बोहड़ दीआं जड़ां धरती विच तां हुंदियां हन, बाहर भी दिसदियां हन। जनी धरती दे अंदर भी हुंदी है ते बाहर लमकदियां होईयां भी दिखाई दिंदियां। टाणियां तों जड़ां दे गुच्छे हेठां लमक के रुख नूं सहारा देण लई थम जहे बन जांदे हन। भाव जदों जड़ां टाणे तों नीचे उन्हां दे गुच्छे लमकदे आ तां इस तरह लगदे आ जिवें बोहड़ दे दरख्त नूं सहारा दे रहे हुंदे आ। नैक्सट क्वेश्चन है, बोहड़ हेठां ज्ञान दी प्राप्ति किस नूं होई सी ते ओह बोहड़ किथे है। उत्तर, बोहड़ हेठां ज्ञान दी प्राप्ति महात्मा बुद्ध नूं होई सी, ओह बोहड़ गया विखे जो के बिहार विच है। ठीक है, किनू होई सी, महात्मा बुद्ध नूं ज्ञान दी प्राप्ति होई सी। ओह बोहड़ दा रुख अज गया विच है जेड़ा के बिहार विच है। अजकल हरियावल दे सोमे क्यों मुक रहे हन, क्यों मुक रहे हन। उत्तर, खेती बाड़ी ते होर कम्मां लई जमीन वरतों करन करके रुखां दी कटाई बदन कारण हरियावल दे सोमे मुक रहे हन। जमीन दी, इत्थे दी भी लिख लो बेटा। ठीक है बेटा, ए सी क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न। जनी तुहानू क्वेश्चन लिख के ओहदे ऑप्शन दत्ते होए है, सही ऑप्शन दे अगे टिक दा निशान लगाउणा है। बोहड़ दी जाति वाला होर केड़ा, बोहड़ दी जाति वाला होर केड़ा रुख है। एदे विच बेटा ए गलती नाल पीडीएफ दे विच भी चला गया होएगा, मोरेसी नी पिपल। ठीक है, एदी जाति दे नाल मिलदा जुलदा होर केड़ा दरख्त है, पिपल। बोहड़ दा उच्चा लम्मा रुख केड़े पंछियां नूं खास पसंद है, भी जिहड़ा बोहड़ दा रुख है ओह केड़े पंछी पसंद करदे है, गिरजां नूं। बोहड़ दा फल किड्डा कु हुंदा है, बहुत वड्डा जां निक्का जिहा, किहो जिहा हुंदा है बेटा। बोहड़ दा फल किड्डा कु हुंदा है, छोटा जिहा हुंदा है, जिद्दां बोहड़ वड्डा हुंदा है पर इहदा फल है जिहड़ा ओह बहुत छोटा हुंदा है। बोहड़ दे पत्ते किन्हां नूं चंगे लगदे हन, ऊठां नूं, भेड़ां बकरियां नूं, घोड़ियां नूं। भेड़ां बकरियां नूं इत्थे टिक लगावांगे असीं।
किसे लम्मी उम्र वाले बुजुर्ग नू बाबा बोहड़ क्यों कहा जाता है? मान नाल, मान मींस सत्कार नाल, मजाक नाल, डर नाल, मान नाल। असि उन्हां नू सत्कार देन दे लई बाबा बोहड़ शब्द की वरतों करदे आं। नैक्सट है, सामने दत्ती ब्रैकट विचों सही शब्द चुन के खाली थामां भरो। कई दरखत सानू मिठे डैश दिंदे हन, फुल जां फल। की दिंदे हन? फल। कई दरखत डैश नाल लदे सोहने लगदे हन, फल जां फुल, फुल्लां नाल। थर्ड, कई दरखत डैश देन लई मशहूर हुंदे हन, छां जां गंदमंद। ठीक है, कोई भी दरखत गंदमंद नहीं दिंदा, छां देन लई मशहूर हुंदे हन। मशहूर मैने प्रसिद्ध। बोहर दा दरखत डैश स्थाना ते जरूर हुंदा है, समाजिक ते जा धार्मिक, धार्मिक स्थाना ते जरूर हुंदा है। बोहर दी उमर बड़ी डैश हुंदी है, लम्मी जा छोटी। बोहर दी उमर की हुंदी है? लम्बी। नेक्स्ट है, हेठ लिखे सही वाकां ते टिकदा अते गलत वाकां ते गलत दा निशान, क्रॉस दा निशान लगाओ। फर्स्ट है, बोहड़ दी शां बहुत संगनी हुंदी है, टिक। सही, हां। बोहड़ दा फल खान दे काम आउंदा है, हां। रुखां नू बोहड़ भी कहा जांदा है, गलत। सारे रुखां नू असी बोहड़ नहीं कहंदे। बोहड़ दी लकड़ी बहुत मजबूत हुंदी है, हां, टिक। बोहड़ दी उमर बहुत घट हुंदी है, गलत। बोहड़ दी उमर बहुत लंबी हुंदी है। बोहड़ थले पिंड दी पंचायत जुड़ के बैठदी है, हां, टिक। बोहड़ दियां जड़ां दूर दूर तक फैल जांदियां हन, हां, सही। नेक्स्ट है, व्याकरण बारे। व्याकरण बारे सानूं पेपर विच नहीं आउंदा, पर असी व्याकरण दी अभ्यास करन दे लई इहनूं जरूर करांगे। फर्स्ट है, हेठ लिखी वाकां दी बचन बदली करो ते लिखो। रुखां ते, रुख ते कां बैठा है, रुखां उत्ते कां बैठे हन। गोल बड़ी मिठी है, गोलां बड़ियां मिठियां हन। फुल नूं ना तोड़ो, फुल्लां नूं ना तोड़ो। खूह ते बोहड़ उग आया है, खूहां उत्ते बोहड़ उग आए हन। पिपल दे पत्ते हरे हन, पिपलां दे पत्ते हरे हन। अगे है सेकंड, हेठां लिखे बाकां दी लिंग बदली करो। हिरन दौड़दा है, हिरनी दौड़दी है। पुत्र सौ गया है, पुत्री सौ गई है। जनी पुत्र दा की बन गया? पुत्री। भगत माला फेर रहा है, भगतनी माला फेर रही है। उठ पार ढो रहा है, उठनी पार ढो रही है। रिछ नाच रहा है, रिछ नाच रहा सी, रिछनी नाच रही सी। सप धरती ते रेंग रहा सी, सपनी धरती उत्ते रेंग रही सी। खोता रास्ते विच ही बह गया, खोती रास्ते विच ही बैठ गई। नेक्स्ट है, हेठ लिखिया विचों विरोधी अर्थ वाले शब्द चुन के लिखो। भाव जेडे तुहानू दिते हुए है, नीचे लिखे हुए है, उपर इन्हां दे ऑप्शन दिते हुए है, ओहदे विचों तुसी इन्हां दे जो उल्टे अर्थ रखदे है ओह शब्द इन्हां दे अगे लिख देने है, जानी विरोधी शब्द बनाउणे है असीं। फर्स्ट है, गर्मी। गर्मी दा की आएगा? गर्मी दा आएगा सर्दी। असी, तुसी। बैठना, उठना। कुड़ियां, मुंडे। गलत, ठीक। हनेरा, चानन। मजबूत, हल्का। अजोके, पुरातन। ठीक है बेटा, ए सी साडा बुक वर्क जो असी कीते। उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होवेगा। बेटा अगर तुसी बुक दे उपर करोगे ता इहदी तुहानू PDF भेजी जाऊगी। अगर कोई दिक्कत है तो तुसी उहदे विचों क्लीयर कर सकदे हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ए भी जानो, पिंडां विच लोक बोहड़ दी छां हेठां बैठना पसंद करदे हन।
पिछले समय विच तां पंचायत बोहड़ दी छां हेठ ही कीती जांदी सी। पिंडां दे सियाणे बजुर्ग सारा सारा दिन बोहड़ दी छां हेठां बैठे ताश वर्गियां खेडां खेडदे रहिंदे सन। ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਸੰਘਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੁੱਖ ਹੜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਰਫ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।